बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 21st अमेंडमेंट, और ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है सनारा मदनी की रिक्वेस्ट पे। अगर आप भी किसी अहम टॉपिक पर जो है वीडियो देखना चाहते हैं या इन्फॉर्मेटिव लेक्चर देखना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप हमें जो है नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरी तौर पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मालूमात पर मुबनी मजीद वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 21st अमेंडमेंट यानी कि 21वीं तरमीम, पाकिस्तान के आइन में 21वीं तब्दीली। तो 21वीं तरमीम का तल्लक जो है वो मिलिट्री कोर्ट से है। 21वीं तरमीम के बाद मिलिट्री कोर्ट का क्याम जो है वो अमल में लाया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिलिट्री कोर्स से मुराद ऐसी कोर्स हैं जो कि आर्मी चीफ के हुक्म पर बनाई जाती हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मिलिट्री कोर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट की तरफ, और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसने आइन में तब्दीली की और उसके तहत जो है मिलिट्री कोर्स का क्याम अमल में लाया गया। क्यों लाया गया? स्पीडी ट्रायल के लिए, जो दहशत गर्द पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका के लिए मुसलसल खतरा बने हुए थे, उन दहशत गर्दों को फौरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 21वीं तरमीम का सहारा लेना पड़ा, और 21वीं तरमीम के बाद स्पेशल मिलिट्री कोर्स का क्याम अमल में लाया गया। और स्पेशल मिलिट्री कोर्स के क्याम के बाद जो है दहशत गर्द फौरी तौर पर अपने अंजाम तक पहुंचने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल कोर्स हैं वहां पर जो एक प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दहशत गर्द की जो शिद्दत थी और दहशत गर्द जिस पैमाने पर दहशत गर्द इस मुल्क में फैला रहे थे उसको रोकने के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ गैर मामूली स्टेप लेने की जरूरत थी, तो इसलिए मिलिट्री कोर्स का क्याम अमल में लाया गया और इसमें अब दहशत गर्द जो है फौरी तौर पर अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल थी, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो है 21वीं तरमीम के तहत 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स का क्याम अमल में लाया गया। और ये कब लाया गया? ये लाया गया 2015 में। इसका क्याम उस वक्त अमल में लाया गया जब दिसंबर 2014 में पेशावर में बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो रूनमा हुआ, और उसके बाद फिर ये गैर मामूली जो है वो स्टेप लेना पड़ा। 2014 को आपको मालूम होगा कि पेशावर के APS स्कूल में दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, और वहां पर तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी, और उसके करिंदों ने जो है वहां पर मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया जिसके नतीजे में तकरीबन 135 मासूम बच्चे जो है वो इनकी अजियत का निशाना बने, जिसमें वहां के बहादुर टीचर्स भी शामिल थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने हुकूमत को प्रेशराइज किया कि फौरी तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ गैर मामूली इकदाम करने की जरूरत है। उसके बाद फिर जो मिलिट्री कोर्स का क्याम जो है अमल में लाया गया और नेशनल एक्शन प्लान का भी क्याम उसी के बाद ही अमल में लाया गया। प्रोसेस इसका वही है कि सबसे पहले इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। आज में तब्दीली करने के लिए आपको कम से कम जो 342 अरकान है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें 228 अराकीन नेशनल असेंबली हैं उनकी हिमायत आपको चाहिए होती है, और उसके बाद फिर आप आइन में तब्दीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पास किया गया जहाँ पर 342 में से 247 अफराद ने इसकी हमायत की, और उसके बाद ये बिल गया सेनेट में। सेनेट में जो है जो 104 टोटल मेंबर्स हैं सेनेट के उनमें से 78 मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी हमायत में वोट दिया। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जी हाँ, इसको हम 21वीं तरमीम के नाम से ही जानते हैं। इसका जो टाइटल है वो 21वां अमेंडमेंट ही है पाकिस्तान के आइन में, तो इसलिए हम इसको 21वां अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें 3 शिकें थी 21वां अमेंडमेंट में। जो पहली शिक है वो ये कहती है कि ये जो स्पेशल बिल पास किया गया है जो तरमीम की गई है जिसके तहत मिलिट्री कोर्स जो है उनको एस्टेब्लिश किया गया है, इनका जो क्याम है ये 2 साल के लिए होगा। 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये बिल अपनी अफादियत खो देगा और जो मिलिट्री कोर्स है वो मनसूख हो जाएंगे। जो क्लॉज 2 है यानी कि शिक 2 जो है
وہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 175 میں تبدیل کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شک یہ بھی بیان کرتی ہے کہ یہ ان عناصر کے خلاف ہے جو کہ مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں، جو کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس میں واضح کیا گیا کہ اس میں وہ تمام جماعتیں جو ہے شامل نہیں ہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، اور جو مذہبی پارٹیز ہیں جیسے تحریک لبیک پاکستان ہے، پاکستان سنی تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ایف ہے، یعنی کہ یہ جو بل ہے یہ ان عناصر کے خلاف مقدمہ چلائے جائیں گے کہ جو مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں، جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ شک 3 ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس میں پاکستان ملٹری ایکٹ جو ہے 1952 اس میں بھی تبدیلی کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اب پارٹیز جو ہے اس میں کنہوں نے حمایت کی اور کنہوں نے اس کی مخالفت کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ان کی ہم خیال جماعتیں، انہوں نے اس کی پر زور طریقے سے حمایت کی، جبکہ جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی اور ان کی جو ہم خیال جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس دوران دھرنے دے رہی تھی، وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ تھی، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے نہ تو ہم مخالف کہہ سکتے ہیں نہ اپوزٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو مخالفت جن جماعتوں نے کی وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے جے یو آئی ایف، اس نے کی، اور سراج الحق کی جماعت جو ہے جماعت اسلامی، اس نے اس کی مخالفت کی۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے مقدمات ملٹری کورٹس میں بجوائے جا سکیں گے، تو بالکل اس میں آل ٹیررسٹ گروپس جو ہیں، ہر قسم کے دہشت گرد میں ملوث جو گروپس ہیں وہ جو ہے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بجوائے جائیں گے۔ کڈنیپنگ فارق ہے، جو لوگ اغوا برائے توان میں ملوث ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقدمات بجوائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہ سول اور ملٹری بیسس پر اٹیک کرنے میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یا اس میں انوالو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، ان کے مقدمات جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں لے جائے جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جن سے دھماکہ حز موت برآمد ہوا ہے، یعنی فورن ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان تمام لوگوں کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں بجوائے جائیں گے۔ خدا حافظ۔